आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन, और मेरे प्रियो आज का वचन आपको प्रभु के करीब लाएगा। आप प्रभु के वचनों से आप प्यार करने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु को यीशु मसीह कहते हैं मेरे प्रियो, तो हमें उसके वचनों पे हमें चलना होगा। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे हम पवित्र आत्मा हमसे शोकित हो या फिर हम पवित्र आत्मा को शोकित करें। इफिसियों के चौथे अध्याय के उसके जब हम 30 पद को देखेंगे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा शोकित कब होता है? जब हम प्रभु के विरुद्ध में कोई कार्य करते हैं जो हमें पाप तरफ ले जाता है, या फिर वो बातें जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, वो काम अगर हम करते हैं जो वचन से हट कर रहता है, और जब हम ऐसा कार्य करते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे शोकित हो जाता है, वो दुखी हो जाता है और हमको छोड़ देता है और हमसे अलग हो जाता है। हालेलुया। इसलिए कहता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दे गई है। हालेलुया। हम मेरे पियो ऐसी कोई बातें नहीं करना है जिससे हम अपवित्र हो। इफिसियों चौथे अध्याय के उसके 29 पद में वचन कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। हम गुस्से में ऐसे बहुत बार आकर उस शब्द बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, और उसी में हम पाप कर डालते हैं और हम पवित्र आत्मा को हम शोकित कर देते हैं। लेकिन मेरे पियो, हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द ऐसा होना चाहिए जिस पे सुनने वालों को आशीष मिले, उन पे अनुग्रह मिले। हालेलुया। भजन संहिता 148 के 13 पद में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। हम जिसकी आराधना करते हैं, हम जिसकी उपासना करते हैं, वह पृथ्वी और आकाश सबसे महान है। भजन संहिता 103 के उसके तीसरे पद में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। हमारे अपराधों को कौन क्षमा करता है मेरे पियो? हमारे अपराधों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा करते। कैसे? उसने हमारे लिए अपना प्राण को त्याग दिया। ओ जो लहू बहाया गया, ओ हमारे खातिर बहाया गया, ओ हमारे गुनाहों के खातिर बहाया गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने पापों की क्षमा उससे मांगना है। जो भी गुनाह, जो भी पाप, जो भी अशब्द हमसे बातें हुई है, जो भी गलतियां हुई हैं, उनकी क्षमा हमें प्रभु यीशु मसीह से मांगना है कि हाँ प्रभु, जाने या फिर अनजाने में मैंने तेरे विरुद्ध ये कार्य किया है। अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र कर अपने राज का वारिस बना। जब आप प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो वह क्या करता है? वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कौन करता है? यीशु मसीह। क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। उस पे कांटों का मुकुट पहनाया गया, नुकुले रस्सी से उसको मारा गया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, क्योंकि हमारे दुखों को, हमारी बीमारियों को, हमारे पापों को वह अपने ऊपर ले लिया है। और जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, हमारे जीवन भर में जो भी उसकी आशीषें हैं, चाहे छोटी चाहे बड़ी, चाहे बड़ी चंगाई हो चाहे छोटी चंगाई हो, चाहे आपका सर दर्द हो चाहे बुखार हो, उसके किसी भी उपकारों को, उसके दिए हुए आशीषों को हमें भूलना नहीं है। भजन संहिता 103 के दूसरे पद में कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। जब यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं
और उनकी जब समस्याएं खत्म हो जाती है और आगे चलकर उनका जीवन आशीष से भरपूर हो जाता है, वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए आशीषों को वह भूल जाते हैं और वह सब अपना ऊपर लेना चाहते हैं कि जो कुछ मैंने किया है वो मैंने अपने से किया है। लेकिन उसका वचन क्या कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। आपके जीवन जो आशीष से आई है, आप आज जीवित पाए गए हैं, उस बात के लिए आप धन्यवाद दीजिए। समस्याएं आपके जीवन में क्यों ना हो, उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अय्यूब के जीवन जो समस्याएं आई थी, हर एक बातों में वो प्रभु को धन्यवाद देने वाला हो गया। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। इसलिए हमें किसी बातों को भूलना नहीं है, हर एक बातों को याद करते हुए, वो चाहे छोटी चंगाई हो, चाहे आशीष हो, चाहे किसी प्रकार का परमेश्वर के हम पर उपकार हुए, उन सारे बातों को याद करते हुए प्रतिरोज हमें उसको धन्यवाद देना है। हालेलुया, क्योंकि आज हम जीत पाए गए हैं तो उसी की दया है, उसी का उपकार है, उसी का अनुग्रह है। हम उस बात के लिए धन्यवाद दें कि आज आप जीत पाए गए हैं, आप आज जीत पाए गए, इस प्रार्थना को देख रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए। हाँ प्रभु, मुझे हर एक महामारी, दुर्घटना, बीमारी से बचाए रखा और जीत में जीत रखा कि मैं तेरे वचन को सुन सका, मैं तेरे पदों पर चल सका। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि मैं तेरी स्तुति आराधना कर सका। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन हमें प्रभु यीशु ने जीतों में जो जीत रखा, हर एक महामारियों से, दुर्घटनाओं से बचाए रखा कि हम उसकी स्तुति कर सके, हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके। हालेलुया, हम उसको धन्यवाद देने वाले हो जाए मेरे पियो। और जब हम उसको धन्यवाद देते हैं तो हम प्रभु की महिमा करते हैं। भजन संहिता 103 के पहले अध्याय में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। जो कुछ आपके पास आशीष से आई है, उन आशीषों को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हाँ प्रभु, तूने ये अद्भुत कार्य मेरे लिए किया, मैं इस बात का धन्यवाद देता हूँ। मेरे पियो, यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है, वह बादलों पर आने वाला है। हालेलुया, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। जो कोई कुप्पी में तेल भरकर रखा हुआ था, उसको चिंता था, मसाल जलती थी, वह मिलने चले गए, लेकिन जिसको चिंता नहीं थी, अब जब यीशु मसीह आया तो खोज रहे हैं कि तेल कहाँ से मिलेगा। मेरे पियो, कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह आ जाए और हम उसमें उद्धार पाने के लिए हम भटके। आज समय है अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि वह जल्द ही आने वाला है मेरे पियो। हालेलुया, मत्ती के 25 अध्याय के 26 पद कहता है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। और प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 20 पद में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ है। प्रभु द्वार पर खटखटा रहा है मेरे पियो, प्रभु द्वार पर खटखटा रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे शब्द को सुन और अपने दिल के दरवाजे को मेरे लिए खोल दे और मुझे अंदर आने दे। हमें अपने दिल को खोलना है प्रभु के लिए, हमें अपने मन को खोलना है प्रभु के लिए और उसको अपने हृदय में बसाना है। हम उसके वचनों पर चलने वाले हो जाए, हम उससे प्रेम करने वाले हो जाए। और हम उसको कैसे बता सकते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसके वचनों पर चल के, हम उसकी आज्ञाओं पर चलकर हम उसको बता सकते हैं कि हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। हालेलुया, मेरे पियो, हम उससे प्रेम करने वाले हो जाए, हम उसके वचनों पर चलने वाले हो जाए, हम ऑटोमेटिक ही हम उससे प्रेम करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि उसका प्रेम वही है कि आप उसके वचन पर चले, आप उसकी आज्ञाओं पर चले। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया, वो जल्द आने वाला है मेरे पियो, अपने आप को उस दिन के लिए हमें तैयार रहना है और तैयार करना है कि जब वह आए हम उसके साथ जाने का योग ठहर सके।
हालेलुया। प्रभु इन वचनों के हम सबको आशीष प्रदान करें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई लोग यीशु मसीह को जान सके। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मसीह के बारे में अधिक जानना चाहते तो हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है, आपको सामने मिल जाएगा। इस पर आप विजिट कर आप मसीह के बारे हर रोज प्रकाशन प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से आप एक एक पॉइंट को आप समझ सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास के साथ देखिए इस वचन को, प्रार्थना को, प्रभु आपके जीवन में आशीष को भेजेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु जी हम धन्यवाद ते पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जितने भाई बहन वचन सुने हैं पिता, वचन देखे हैं पिता, ये वचन इनके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता परमेश्वर। ये वचन को सुनकर उस पर चलने वाले हो जाए पिता। हाँ पिता, पवित्र आत्मा की सहायता करिए कि वचन सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पे चलने वाले हो जाए, क्योंकि तेरा आना निकट है। मुझे इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते, जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, जिस दुनिया में जिस कोने में रहकर देख रहे हैं पिता, वहां तेरी सांप प्रकट हो जाए। जो बीमार है तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं दूर होने पाए, चिंताएं इनके जीवन से भागने पाए, इनके जीवन के घरों में उद्धार आने पाए। इनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। तूने ऐसा ही किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ईश्वर पिता जी आशीष मांगते हैं, सुंदर ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान बुझ जिनका उद्धार करता स्वीकार कर सकें। गॉड ब्लेस यू।